में सबसे पहले बात करेंगे हम खबर की। जयपुर से हम खबर, हम आपको बता दें बीजेपी मंडल अध्यक्षों की बैठक शुरू हो चुकी है। बिरला सभागार में चल रही है बैठक और प्रदेश बीजेपी के 1046 मंडल अध्यक्ष आमंत्रित हैं। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रभारी अविनाश रॉय खन्ना मौजूद हैं। सह संगठन मंत्री बी सतीश भी इस बैठक में मौजूद हैं और जिला अध्यक्ष मोर्चा विभाग प्रकल्पों के अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। समापन सत्र में सीएम वसुंधरा राजे मौजूद रहेंगी और आज शाम तक कार्यशाला में होंगे 6 सत्र। तो अहम खबर हम आपको बता दें, जिला अध्यक्ष मोर्चा विभाग प्रकल्प अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। समापन सत्र में सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रहेंगी और यहां पर कार्यशाला में कुल मिलाकर 6 सत्र होने वाले हैं। तो अहम खबर, आज शाम तक जो कार्यशाला रहेगी उसमें 6 सत्र रहेंगे। बीजेपी मंडल अध्यक्षों की ये जो बैठक है शुरू हो चुकी है जयपुर में बिड़ला सभागार में। हम आपको बता दें कि ये बैठक इस वक्त चल रही है और साथ ही ये भी जानकारी है कि प्रदेश बीजेपी के 1046 मंडल अध्यक्ष इस बैठक में आमंत्रित हैं और प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रभारी अविनाश रॉय खन्ना भी इस बैठक में मौजूद है। इसी बारे में आगे की जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी पीयूष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ एजेंडा रहेगा इस बैठक का? देखिए प्रियंका, बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से यदि प्रदेश भाजपा के संगठन की कभी बात की जाए तो जो तमाम संगठनात्मक नियुक्तियों का काम था वो लगभग पूरा किया जा चुका है और वो सबसे छोटी इकाई, क्योंकि मंडल का जो पुनर्गठन किया गया है उसके बाद 1000 से ज्यादा मंडल प्रदेश भर में भाजपा के बने हुए हैं। उन तमाम मंडलों के अध्यक्षों को आज बुलाया गया, तमाम जिलों के अध्यक्षों को बुलाया गया, वहां के जो युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के जो अध्यक्ष है जिलों के उनको बुलाया गया, महामंत्रियों को बुलाया गया और इसके अलावा जो तमाम प्रकोष्ठ और प्रकल्प बने हुए हैं उनके पदाधिकारियों को भी आज इस बैठक में बुलाया गया। बैठक की शुरुआत हो चुकी है और जो उद्बोधन भाषण हुआ है, स्वागत भाषण जो हुआ है प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी का, साफ तौर पे जो केंद्रित था आने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर केंद्रित था। सीधे तौर पे टारगेट दिया गया है आम भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि केंद्र और राज्य सरकार की वो तमाम योजनाएं, एक एक योजनाओं को आंकड़े के साथ जनता के बीच जाके गिनाए। तो जिस तरह विपक्ष लगातार हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रहा है तो वही जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करे और फील्ड में जाने से पहले जो तमाम आंकड़े है सरकारी योजनाओं से जुड़े जो अब तक 3 साल में कामकाज हुए है उनकी आंकड़ों के साथ जनता के बीच में जाके बात करे और यदि ऐसा होता है तो आने वाले जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी की जीत की राह पर कोई आड़े नहीं आ सकता। इसके साथ ही एक सबसे बड़ी बात जो विस्तारक योजना को लेकर अशोक परनामी जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कही, सीधे तौर पर कहा यदि 100% भाजपा विस्तारक योजना पर काम हो जाता है और उस पर अमल हो जाता है तो निश्चित तौर पर चाहे प्रदेश की बात की जाए या केंद्र की बात की जाए बीजेपी को आगे बढ़ने से आने वाले चुनावों में जीत का सिलसिला जारी रखने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो तमाम चीजें हैं जो आज उद्बोधन भाषण में जो प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं आज दिन भर एक प्रोग्राम चलेगा प्रियंका, लगभग 6 सत्र इसमें होंगे और अलग अलग सत्रों में वी सतीश जो की सह संगठन राष्ट्रीय मंत्री है वो उसमें संबोधित करेंगे। प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना वो भी जो मंडल अध्यक्ष और जिला पदाधिकारी है उनको उद्बोधन देंगे, उनको संबोधित करेंगे और जो समापन सत्र होगा तकरीबन 3:30 से 4 बजे के बीच में उसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल होगी और उनका उद्बोधन होगा, संबोधन होगा। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष इस सारी जानकारी के लिए। और सुजानगढ़ से हम खबर, हम आपको बता दें मंजीत पाल के अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज होगी और एडीजे अजय कुमार भोजक करेंगे सुनवाई। बुधवार को दिया था अंतरिम जमानत का प्रार्थना पत्र और एडीजे सुजानगढ़ ने मंजीत पाल के वकील से सवाल पूछा कब और कहां होगा आनंद पाल का दाह संस्कार। कोर्ट को पहले बताएं एडीजे का कहना यह है एनकाउंटर में मारा गया था गैंगस्टर आनंद पाल। तो हम खबर हम आपको बता दें कि यहां पर आनंद पाल का एनकाउंटर होने के बाद हम आपको बता दें कि यहां पर जब से आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ है तभी से यह मामला लगातार गर्माता जा रहा है और अब अंतिम संस्कार पर आकर सारा ही मामला टक गया है और गैंगस्टर आनंद पाल के अंतिम संस्कार को लेकर ही एडीजे ने यहां पर सवाल पूछा है कि आखिर कब और कहां आनंद पाल का जो अंतिम संस्कार वो किया जाएगा। एडीजे अजय कुमार भोजक इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहे हैं और बुधवार को दिया था अंतरिम जमानत का प्रार्थना पत्र और साथ ही आपको बता दें कि एडीजे सुजानगढ़ ने मंजीत पाल के वकील से ये सवाल पूछा और साथ ही कब और कहां होगा आनंद पाल का दाह संस्कार। और नागौर से हम खबर में आपको बता दें मकराना के खदान में मजदूर की मौत का ये मामला है। मजदूर के परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अस्पताल के मेन गेट पर धरने पर बैठे परिजन मृतक नाथुराम के शव का नहीं हुआ पोस्टमार्टम, मकराना पुलिस कर रही है समझाइश। तो हम खबर में आपको बता दें अस्पताल के मेन गेट पर जो परिजन है वो बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और मृतक नाथुराम के शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है अभी तक और मकराना पुलिस फिलहाल परिजनों से मिलकर समझाइश कर रही है ताकि वो इस पूरे मामले को
अटकाए नहीं और मजदूर के परिजन इस वक्त मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए और यही वजह है जिसके चलते वो अस्पताल के मेन गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं मृतक नाथूराम के परिजन। और शव का हम आपको बता दें कि अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, मकराना पुलिस फिलहाल समझाइश कर रही है। और सवाईमाधोपुर से हम खबर, नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। रणथंभौर रोड पर फिर चला है पीरा पंजा और अर्धा दर्जन होटल के अतिक्रमण को तोड़ा गया है। होटलों की स्टोरी बाउंड्री और साथ ही पिलर भी ध्वस्त कर दिए गए। नगर परिषद आयुक्त और एसडीएम की कार्रवाई, अतिक्रमण हटाओ पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है। तो हम आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने वाला दस्ता साथ ही यहां पर कोई विरोध होता है तो उसको शांत करने के लिए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। नगर परिषद आयुक्त और एसडीएम की इस वक्त कार्रवाई जो है वहां पर चल रही है। अतिक्रमण हटाओ दस्ते समेत तो पुलिस बल भी मौजूद है ताकि अगर किसी भी तरीके से कोई भी विरोध दर्ज करवाता है तो फिर उस विरोध पर नियंत्रण पाया जा सके। सवाईमाधोपुर से हम खबर हम आपको बता रहे हैं, रणथंभौर रोड पर पीला पंजा चलाया जा रहा है, जो अतिक्रमण यहां पर किया गया है उसको हटाया जा रहा है। बीकानेर शहर में दर्दनाक हादसा हुआ है, पटाखा फैक्ट्री में भयंकर रूप से विस्फोट हुआ है। विस्फोट से आसपास घरों में आग लग गई है और आग लगने से दो व्यक्ति की मौत हो गई है, साथ ही दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया और सीओसीटी सहित पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। तो मैं आपको बता दें, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह से यहां पर जो पटाखे की फैक्ट्री है उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के साथ ही जो आसपास के घर है वहां पर भी आग लग गई है। बीकानेर शहर के एक पटाखे के गोदाम में भयंकर आग लगी और आग में जलकर दो लोगों की मौत भी हो गई है। साथ ही ये वाकया सोनगिरी के क्षेत्र में बने हुए एक मकान का है जहां पर रखे पटाखों में भयंकर विस्फोट हो गया था। मकान में रखे सभी पटाखे धूं धूं करके जलकर राख हो गए और इस दौरान दो लोगों की मौत हो गई है, वहीं दर्जनों के घायल होने की खबर है। विस्फोटक की भयंकर आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। इस आग ने आसपास के मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है जिससे उनमें दरारें आ गई हैं। पुलिस के मौके पर पहुंचकर सबको जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार ये मकान कैलाश पारीख का बताया जा रहा है, जहां मकान को ही पटाखा फैक्ट्री बनाया हुआ था और बताया जा रहा है कि पटाखे बनाने के लिए 4 से 5 व्यक्ति कार्य कर रहे थे। फिलहाल आग बुझाने के बाद ही पता चल पाएगा कि मामले में कितना कुछ बर्बाद हुआ है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, समाचार प्लस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर हाहाकार मचा हुआ है। फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि ये एक मकान है और मकान के अंदर की जो पटाखे की फैक्ट्री है वो बनाई गई थी और अचानक से विस्फोट हुआ। विस्फोट के साथ ही जो आसपास के घर हैं वो आग की चपेट में आ गए। आग लगातार बढ़ती चली गई और इस हादसे में दो लोगों की मौत भी हो गई है और बताया ये भी जा रहा है कि कई लोग घायल भी हुए हैं। जो घायल हैं उनको भर्ती करवा दिया गया है अस्पताल में, जहां पर इलाज उन सभी का जारी है। बीकानेर का ये पूरा मामला है और पड़ोस के मकानों में दरारें तक आ गई हैं। जिस तरह से विस्फोट हुआ है, काफी भयंकर विस्फोट हुआ है। न सिर्फ यहाँ पर आसपास के घरों में आग लगी है बल्कि जो दूर दराज के घर थे वहां पर दरारें तक आ गई हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आग में जलकर दो लोगों की मौत होने की भी खबर है और इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। बीकानेर से हमारे संवाददाता है आनंद आचार्य, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, यहाँ पर एक मकान के अंदर पटाखा फैक्ट्री बनाई गई है और रिहायशी इलाका है, पूरी तरह से नियमों की अवहेलना की गई है यहाँ पर। जी प्रियंका, निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ, बीकानेर का दर्दनाक हादसा है जहाँ पर सोनगिर गोवा क्षेत्र के अंदरूनी हिस्से में एक मकान में पटाखा का फैक्ट्री बना रखा था, जहाँ पर आज सुबह 10:30 बजे पटाखों में आग लग गई। आग लगने से आसपास क्षेत्र में बड़ी रूप से धमाका हुआ जिसकी गूंज जो पूरे शहर में गूंजाई थी। जहाँ पर लोग गए तो सदमे में सह गए और घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। फिर उन्होंने घटना की जानकारी ली तो पता चला कि घर में फटाका बनाया जा रहा है, वहां पर आग लग गई थी। और उसमें अभी तक मैं आपको अपडेट बता दूं कि अभी तक मृतकों की संख्या है जो 5 से 2 से बढ़कर 5 पहुंच चुके हैं और 18 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। घटना की जानकारी मिलते ही आईजी वी के पांडे और पुलिस अधीक्षक शोभा सिंह गोदारा सहित बड़े उच्च अधिकारी जो मौके पर पहुंच चुके हैं और आग बुझाने का प्रयास जारी है। फिलहाल यह जो कारणों का पता नहीं चल पाया है, मौके पर लोग मौजूद है और कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की उदासीनता उसमें नजर आ रही है, क्योंकि घटना की जानकारी देने के बाद भी अग्निशमक दल और नगर निगम के प्रशासन अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। और आग बुझाने के लिए जिस प्रकार अग्निशमक दल एक पहुंची थी उसमें पानी नहीं था, बिल्कुल लापरवाहियां तो यहाँ चारों तरफ से हुई है आनंद। और जो अधिकारी यहाँ पर अब पहुंचे हादसे के बाद, जब दो लोगों की जान चली गई, कई घरों में आग लग गई, कई घरों में दरारें आ गए, तो अब यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पर ये काम किया जा रहा था, कोई अभी तो काम शुरू नहीं हुआ होगा, काफी समय से काम हो रहा होगा, उस समय ये प्रशासन कहाँ था?
जी निश्चित रूप से प्रियंका बताना चाहता हूँ, ये पिछला कार्य जो 5 से अधिक सालों से कार्य चल रहा था, इस घर में जो फैक्ट्री का रूप दिया गया था जिसमें पटाखे बनाए जा रहे थे, इसमें कई वर्षों से कार्य चल रहा था। कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता जिसकी वजह से शहर के अंदरूनी निश्चय में इस प्रकार का बड़ा कार्रवाई होना और बड़ी घटना होना और घटना के बाद भी कार्रवाई नहीं होना कई तरह के सवाल खड़ा करता है, क्योंकि प्रशासन के यहाँ तक बिल्कुल भी लचर व्यवस्था नजर रही है। जहाँ पर घटना की इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी लोग घरों से पानी लाकर आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर यहाँ तक घटना के बीच आने के 2 घंटे के बाद भी प्रशासन के बड़े अधिकारी नहीं पहुंचे। जहाँ पर समाचार पत्र दिखाने के बाद आईजी डी के पांडे, पुलिस अधीक्षक सवाई सिंह गोदारा, निगम महापौर समेत अधिकारी वहां पर मौजूद है और आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी लोग अभी तक दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर आ चुकी है, अभी तक आग को बुझा नहीं पाया है और अंदर संकड़ी गली के होने की वजह से कई लोगों को दिक्कत का भी सामना करना पड़ा है। फिलहाल जो आग जारी है और मृतकों की संख्या है जो 2 से बढ़कर 5 हो गई है और इसकी भी संभावना है कि अधिक हो सकती है। घायलों की संख्या 18 है, तो इसको एम्बुलेंस के माध्यम से बीकानेर के ट्रॉमा अस्पताल में लेकर भर्ती करवाया, जिनकी हालत खतरे से बताई जा रही है। प्रियंका बिल्कुल, और आप जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि जो मरने वालों की संख्या वो 2 से 5 हो गई और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, एक बड़ी लापरवाही है ये और साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है। शुक्रिया आनंद इस सारी जानकारी के लिए। राजधानी के वैशाली नगर थाना पुलिस ने गुरुवार देर रात कार्रवाई करते हुए एक स्पा सेंटर से 4 लड़कियों सहित 7 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी संध्या यादव ने बताया कि आम्रपाली मार्ग स्थित कॉपर स्पा सेंटर पर कई दिनों से देह व्यापार की सूचना मिल रही थी और इस पर एक टीम का गठन भी किया गया और मुखबिर द्वारा स्पा के आड़ में चल रहे देह व्यापार की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्पा में आपत्तिजनक अवस्था में थाना पुलिस ने स्पा के मैनेजर बिहार निवासी राजेश, ग्राहक जयपुर सांगानेर निवासी अशोक और यूपी निवासी वीरेंद्र सिंह और मुंबई अहमदाबाद जयपुर का रहने वाला 4 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है। कैलवाड़ा पशु चिकित्सालय भवन को डॉक्टर्स ने मैखाना बनाकर रख दिया है और यहां पर पशुओं को उपचार मिले या ना मिले, लेकिन आपको दवाई की जगह शराब की बोतल जरूर नजर आएगी। कैलवाड़ा पशु चिकित्सालय में देना डॉक्टर सरदार सिंह ने उपस्थित रजिस्ट्रार में 6 दिन पहले तक की उपस्थिति दर्ज करा दी और साथ ही जब ऑफिस के अंदर का रुख किया गया तो शराब के खाली बोतलें और गिलास नजर आए। वहीं मामले में जब डॉक्टर सरदार सिंह से मोबाइल पर संपर्क किया गया तो खुद की बात से ही वो टालमटोल करते हुए नजर आए और पशु चिकित्सालय के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर पूरा ठीकरा थोपते हुए नजर आए। फतेहपुर में गुंडाराज की बानगी उस वक्त दिखाई दी जब देर रात दुकान बंद कर ज्वेलर्स व्यापारी से लाखों की नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि व्यापारी और उसके नौकर ने करीब 2 किलोमीटर तक बाइक सवारों का पीछा किया लेकिन लुटेरे चकमा देकर भाग गए। साथ ही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के रास्तों में नाकाबंदी करवाई गई लेकिन कुछ भी इस नाकाबंदी के जरिए हासिल नहीं हुआ। खबर है कि बदमाशों ने वारदात को रैकी कर अंजाम दिया। व्यापारी के मुताबिक उसके हाथ में सब्जी का थैला था और दूसरे में नकदी, सोना, चांदी और दुकान की चाबियां। खबर नागौर से जहां पर भामड़ा थाना क्षेत्र के गांव कांगड़ा में खेत में कटानी रास्ते को लेकर दबंगों की पंचायत लगी और इस पंचायत के पंचों ने एक परिवार पर कहर ढा दिया। पंचों ने परिवार को न सिर्फ गांव और समाज से बहिष्कृत कर दिया बल्कि परिवार के सदस्यों को गांव में किसी भी दुकान से सामान नहीं देने और पानी नहीं देने और कोई उनके घर पर गया तो उस पर 11,000 रुपए का जुर्माना तक लगाने का तुगलकी फरमान सुना दिया। जैसे पीड़ित बेरमा राम जाट के परिवार ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जयपुर के बिड़ला सभागार में भाजपा मंडल अध्यक्षों की बैठक चल रही है। बैठक में प्रदेश भाजपा के 1,046 मंडल अध्यक्ष आमंत्रित हैं। प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और प्रभारी अविनाश राय खन्ना सह संगठन मंत्री वी सतीश भी इस बैठक में मौजूद हैं और यहां पर मंडल अध्यक्ष को लेकर ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बिड़ला सभागार में हम आपको बता दें कि ये कार्यशाला चल रही है और शाम तक बताया जा रहा है कि इस कार्यशाला में 6 सत्र होने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें सह संगठन मंत्री वी सतीश भी इस कार्यशाला में मौजूद हैं। मोर्चा विभाग प्रकल्पों के अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको ये भी बताते हैं कि समापन सत्र में सीएम वसुंधरा राजे मौजूद रहेंगे। आनंदपाल एनकाउंटर मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के आवास पर चल रही है बैठक। रात को समाज से जुड़े प्रतिनिधि कर रहे हैं चर्चा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी है मौजूद। मंत्री राजेंद्र राठौर और डीजीपी मनोज भट्ट भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तो यहां पर आनंदपाल एनकाउंटर
से जुड़ी हुई अपडेट हम आपको बता रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परिणामी इस चर्चा में मौजूद हैं और साथ ही आपको बता दें कि मंत्री राजेंद्र राठौर, डीजीपी मनोज भट्ट भी यहां पर इस चर्चा में मौजूद हैं। और इसी बारे में आगे की जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, यहां पर बताया जा रहा है कि एक अहम बैठक हो रही है गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया के आवास पर, क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए, बैठक को शुरू हुए तकरीबन 15 मिनट से अधिक का समय निकल चुका है प्रियंका, और इस बैठक के एक कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आनंद पाल का एनकाउंटर होने के बाद उसके शव का अब तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, लगभग 14 दिन हो चुके हैं अंतिम संस्कार नहीं हो पाए जो एनकाउंटर के बाद, और उसको लेकर जो कुछ आज लगातार चाहे वो सीबीआई जांच की मांग हो या फिर अन्य केसेस हटाने की मांग हो, वो लगातार उन मांगों पे अड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज जब राजपूत समाज के प्रतिनिधि, क्योंकि राजपूत सभा भवन से जुड़े जो गिरिराज सिंह लोधवाड़ा है उनके नेतृत्व में कुछ राजपूत समाज के बड़े लीडर जो है वो इस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा जो सरकार से ही राजपूत समाज से आने वाले हैं राजेंद्र राठौर, जो संसदीय कार्य मंत्री भी है, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया। संगठन के जो प्रमुख है बीजेपी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परिणामी, वो भी इस बैठक में मौजूद है। मतलब संगठन और समाज तीनों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है, और आज ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बैठक के दौरान ये तमाम विषय जो मांगे रखे गए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया पीयूष सारी जानकारी के लिए। धौलपुर जिले में अभी तक दहेज की बलि चढ़ाई जा रही हैं लड़कियां। जी हां, ताजा मामला कायस्थपाड़ा का है, जहां आगरा की रहने वाली शिखा की शादी हुई थी और पति गौरव ससुराल वालों ने शिखा को जिंदा जहर देकर मार दिया। यह आरोप है शिखा के परिजनों के, जिन्हें शिखा का शव अस्पताल में मिला और खबर है कि विवाहिता की मौत के बाद ससुराल वाले घर में ताला लगाकर फरार हो गए। और दहेज की मांग के खातिर न जाने कितनी ही विवाहिताओं का इसका शिकार होना पड़ता है, और ऐसा ही एक मामला भरतपुर में भी देखने को मिला। कुम्हेर कस्बे के शेर कामड़ निवासी श्रीचंद ने अपनी पुत्री का विवाह कुछ महीनों पूर्व आगरा के सुनारी गांव निवासी सोहन सिंह के साथ किया था, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही पति दहेज के लिए मारने पीटने लगा। पीड़िता ने इसकी शिकायत अपने परिजनों को दी, परिजन उसे लेने के लिए आगरा गए, मगर उससे पहले ही पीड़िता का पति सोहन सिंह और उसका भाई पीड़िता को लेकर भरतपुर आ गए, और रास्ते में यहाँ पर यह मामला दर्ज हुआ है। पोखरण के बरडाना गांव में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें एक गुट ने दूसरे गुट के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बाबूराम मेघवाल का कहना ने बताया कि शाम को मंदिर में चल रहे जागरण में वो बैठा हुआ था, तभी उस पर और उसकी पत्नी पर गांव के ही राहुराम नाम के शख्स ने धारदार हथियार से सिर पर वार कर लहूलुहान कर दिया। फिलहाल दोनों का उपचार जारी है। बांसुर के गांव नीमूचाना में युवक के सिर पर पत्थर मारकर हत्या करने का पर्दाफाश करते हुए बांसुर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पिछले महीने 16 जून को गांव नाबुजुना काकी नदी में खून से लथपथ एक युवक का बलबीर गुर्जर निवासी अजीतगढ़ का शव बरामद हुआ था, और इस मामले को लेकर पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर कोटपुतले के गांव रघुनाथपुरा निवासी रामकरण गुर्जर को बांसुर के गांव चतरपुरा स्टैंड से गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ में बताया कि मृतक बलबीर गुर्जर उसकी बहन की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था, और बलबीर गुर्जर ने प्रेम प्रसंग के चलते दूसरी लड़की के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था, और प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश को लेकर रामकरण ने बलबीर को लड़की से मिलने के बाद को लेकर योजनाबद्ध तरीके से बांसुर में बुलाकर उसकी हत्या करने का जुर्म कबूल किया। अलवर जिले के खेडली थाना क्षेत्र में कलयुग की बेटी ने मां का कत्ल कर दिया है। पूरा मामला गांव सोकरी का है, जहां शराब के नशे में धुत मजदूरी करने वाले एक युवक ने अपनी मां का इसलिए खून कर दिया क्योंकि वो उसके बच्चों और पत्नी को पीटने में बचा रही थी। गुरुवार से फरार आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सघन तलाशी जारी है और दबिश देकर खेडली रेलवे स्टेशन से आरोपी को दबोच लिया है। आरोपी ट्रेन में बैठकर फरार होने की फिराक में था। आरोपी विजय राम जाटव को मुखर की सूचना पर धर दबोच लिया गया। भिवाड़ी के टपूकड़ा पुलिस ने चार बड़ी वारदातों का किया है खुलासा, जिनमें व्यापारी लूट के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस बारे में टपूकड़ा थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी टपूकड़ा थाने का हिस्ट्री शीटर है। आरोपियों ने पैसे का कलेक्शन करके जा रहे व्यापारी की रेकी की थी, और बाइक पर सवार होकर आए तीन लोगों ने व्यापारी का रुपयों से भरा हुआ बैग छीन लिया। बैग में बताया जा रहा है कि 4 लाख रुपए थे। उसकी रिपोर्ट थाने में व्यापारी ने दर्ज कराई है। इस मामले में उनके साथ साथी पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी पर खुशखेला थाने में ट्रक लूट का भी मामला दर्ज है। सीकर में एसएफआई छात्र संगठन ने सबसे बड़े एसके कॉलेज को तोड़ने का आरोप छात्र संगठन एसएफआई ने बीजेपी पर लगाया। छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पूरे राजस्थान में एसके कॉलेज का नाम है, लेकिन बीजेपी ने एसके कॉलेज को विभिन्न विभागों का नाम लेकर तोड़ा है, जो छात्र हितों के लिए कुठाराघात है। और छात्र नेताओं ने कहा कि बार बार कला विज्ञान वाणिज्य और गर्ल्स कॉलेज को अलग अलग भवनों में शिफ्ट करने से विद्यार्थी और स्टाफ परेशान है।
शाहबाद के राजकीय महाविद्यालय केलवाड़ा में छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में एनएसवाई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में सीटें बढ़ाने और अन्य समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री के नाम कॉलेज प्रचारक को ज्ञापन दिया है और बताया कि कॉलेज में 240 सीटें हैं, जबकि कॉलेज में अभी तक एडमिशन के लिए 935 आवेदन आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने कॉलेज में व्याख्याताओं की कमी को पूरा करने की मांग की और अंत में सभी ने शिक्षा मंत्री के नाम कॉलेज प्रचारक को ज्ञापन देकर कॉलेज में सीटें बढ़ाने की मांग की। कॉपरेट में सूदखोरों के संगठित गैंग मामले में एसपी के निर्देश पर 5 सूदखोरों के खिलाफ ऊंची दर पर ब्याज वसूलने के आरोप में मामला दर्ज किया है। बता दें कि कॉपरेट कस्बे में चल रहे सूदखोरों के संगठित गैंग के खिलाफ न्यायिक पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं करने से तंग आकर कुछ दिनों पूर्व पीड़ितों परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपनी गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अब कॉपरेट पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर 5 सूदखोरों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। धौलपुर जिले के लाल पत्थर के व्यवसाय पर संकट के बादल छाए हुए हैं। यहाँ का लाल पत्थर उद्योग दुनिया भर में मशहूर है। लाल पत्थर यहाँ से देश भर में जाता है, लेकिन इस लाल पत्थर पर भी जीएसटी 5% लगा दी गई है, जब इस पत्थर पर पहले से ही सरकार की ओर से रफ पत्थर पर 170 रुपए प्रति टन और पॉलिश पत्थर पर 265 रुपए प्रति टन टैक्स चल रहा है। ऐसे में जीएसटी नियमों में उलझा पत्थर व्यवसाय 7 दिन से ठप पड़ा हुआ है। पत्थर व्यवसाय के ठप होने से करीब 50,000 लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सिरियारी के चौकड़िया गांव में 7 एनिकट नरेगा के तहत 5 वर्ष पहले शुरू हुआ निर्माण कार्य अधूरा साबित हो रहा है और पहले ही बारिश के एनिकट से टूटकर पत्थर निकलने शुरू हो गए हैं। स्थानीय समाजसेवी ने बताया कि पंचायत समिति को भी अवगत करवाया गया है, एनिकट की फोटो खींचकर बताया, लेकिन फिर भी किसी ने सुनवाई नहीं की। वहीं एनिकट से पानी रिसाव हो रहा है, जिसकी चपेट में किसानों को खेती चौपट हो रही है। साथ ही लोगों को डर है कि अगर तेज बारिश हुई तो एनिकट भी टूट सकता है, जिससे भारी नुकसान होगा। और अब बात उस बेटी के जो चिकित्सकों की लापरवाही का शिकार हो अपनी आंखें खो चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2015 में अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी रोशनी की, जिनके कुछ ही सालों बाद अपनी आंखें गवा चुकी इस बेटी ने देश के प्रधानमंत्री से मन की बात को सुनने के लिए जिला प्रशासन से रेडियो की मांग की, और जो कि आज के टाइम में पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने मांगें पूरी करते हुए रेडियो के साथ ही एक कूलर भी रोशनी को भेंट किया। आपको बता दें कि 2015 में रोशनी को बुखार हुआ था और इलाज के दौरान चिकित्सकों की लापरवाही से रोशनी ने अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया था।